हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो फील्ड निकालना। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल दिया हुआ हो तो फील्ड निकालना। देखो, हम तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि 11th में हम पढ़ाए थे या मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे, याद करो। y इज इक्वल टू 2x + 1, इसको तुम लिखना नहीं, और लिखना तो बॉक्स में लिखना। थोड़ा तो सा पीछे का क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। y इज इक्वल टू 2x + 1, अगर हम x को 0 करते हैं, y कितना होता है 1। x को अगर 1 करेंगे y कितना होगा 3। x को 2 करेंगे y कितना होगा 5। चेंज हम किस में किए हैं? x में। हुआ कौन है? y। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम पढ़ा चुके हैं y इधर x। सिर्फ थोड़ा सा रिपीट करते हैं एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए रिपीट करेंगे। ये थीटा था और टेन थीटा आया था dy/dx, याद कर। तो नए स्टूडेंट होंगे जो 11th में ठीक से नहीं पढ़ा होगा, उनको समझो या मान लो कि ऐसा होता है। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो y 2x + 1 हुआ, x को 0 किए तो y कितना हो गया 1, x को 1 किए y कितना हो गया 3। चेंज हम किस में किए हैं? x में। हुआ कौन है? y। y किस पर डिपेंड किया? x पर। तो इसको पढ़ते हैं, x में चेंज होने से y में चेंज, यानी कि पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, सॉरी वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको दो बार पढ़ो मन में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और यह कुछ नहीं है, टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। मान ली, बॉक्स को बंद कर लो। अब आगे देखो, हम लोग पढ़े हैं, पढ़ेंगे मिटा इसको। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड निकालो। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पढ़े थे पिछले क्लास में डीबी इज इक्वल टू -E.ds। क्या पढ़े थे? डीबी इज इक्वल टू -E.ds। ठीक, ये स्केलर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ई इज इक्वल टू -dy/ds। अब सवाल उठता है कि यह स्केलर है लेकिन यह तो वेक्टर है। तो वेक्टर के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं एन कैप। क्या करते हैं? एन कैप, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो चलो आज हम बात करेंगे स्केलर की, बात करेंगे यानी ई इज इक्वल टू क्या होता है? -dy/ds। पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मान लो कि एक तरफ तुम्हारा पोटेंशियल है, एक तरफ पोटेंशियल है, एक तरफ डिस्टेंस है। x लिखो या s लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ेंगे, ध्यान देना कैसे पढ़ेंगे, बोलो। पढ़ेंगे मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, डिस्टेंस। इसको पढ़ते हैं इतना को मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? आप सोचो कि नेगेटिव मिनिमम में है, यानी कि मिनिमम के साथ नेगेटिव है, यानी कि पढ़ेंगे मैक्सिमम। ध्यान देना, ये शायद पूछा हुआ सवाल भी है, कैसे पढ़ते हैं? मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, ठीक। जान दो, हम यह भी बताए थे
डी वाई बाई डी एक्स तो था, याद करो ये वाई था, इधर क्या था एक्स थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, यानी कि बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप, यह आपका हो गया निगेटिव स्लोप या माइनस टेन थीटा, या बोलते हैं निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोलो निगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट दिख रहा है, नीचे नीचे हो गया ना, लिखो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, देख लिए। तो इसको हम लोग पढ़ना सीखे, फिर से देखो इसको पढ़ते हैं, मिनिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसको अगर पूरे को ले लेते हैं तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, ठीक है समझ में आ गया। इसको बोलते हैं स्लोप इवन निगेटिव स्लोप, तो फील्ड जो होता है नेगेटिव स्लोप होता है, क्या होता है नेगेटिव स्लोप, ठीक है बिटा दे ओके। तो पढ़ तो लिए, तुम लोग सोचता होगा सब पढ़ा क्या रहे हैं, बहुआ पढ़ा रहे हैं बहुत बड़ा कंसेप्ट को, तो किस्सा कहानी से अलग, यही तो पूछता है एग्जाम में, यही तो पूछता है एग्जाम में, उबना मत सीखना, एक लेक्चर नहीं होगा दो लेक्चर देंगे लेकिन सीखना, घबराना मत। चलो तो मान लो क्वेश्चन एक आ गया कि यही ग्राफ दे देगा, एक तरफ पोटेंशियल है एक तरफ डिस्टेंस है, ग्राफ दे देगा, ठीक कहेगा कि चलो ऐसे कुछ दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, कुछ दे दिया, मान लो कि यह जीरो है, ये 10 मीटर है, कुछ मान लो 15 मीटर है, ये 25 मीटर है कि नहीं, दिया हुआ है डिस्टेंस, या मान लो कि 20 वोल्ट है, या उसको मान लो 25 वोल्ट है, मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मान लो कि एस इज इक्वल टू 4 मीटर पर, एस इज इक्वल टू चलो 5 मीटर पर, एस इज इक्वल टू मान लो कि 14 मीटर पर, एस इज इक्वल टू मान लो कि 19 मीटर पर, एस इज इक्वल टू मान लो कि कुछ भी मान लो चलो 20 मीटर पर, ये क्वेश्चन है। यह भी कह सकता है एस इज इक्वल टू कितना पर, 0 पर। तो कहने का मतलब क्या हुआ बता दें, ये लिखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिखिए, हाँ नहीं आप लोग घबराइएगा मत, पहली बार प्रैक्टिस करा रहे हैं, टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, लिख लिए चलो। अब तुम बताओ, ध्यान देना एकदम हंसते खेलते, प्ले एंड लर्न, प्ले एंड लर्न, तुम बताओ जीरो से लेके 10 मीटर तक, जीरो से 10 मीटर तक यह थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, बोलो जीरो से 10 मीटर तक थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है नहीं कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट, अरे थीटा ये थीटा उतना ही होगा, ये थीटा उतना ही होगा, ये थीटा उतना ही होगा, थीटा क्या है कांस्टेंट। तो देखो थीटा जीरो से लेकर के 10 तक क्या है बोलो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक है टेन थीटा जीरो से लेके 10 तक क्या है कांस्टेंट है, और कितना होगा ये हो गया 20/10, क्या 20/10, 20/10 तो दिक्कत 20/10 ओके। यह टेन थीटा किसके बताने में आएगा, ध्यान दो यहां टेन थीटा आया है डी वाई डी एक्स, तो यहां टेन थीटा आएगा डी वी बाई डी एस के बदला में, जीरो टू टेन कॉन्स्टेंट है
कितना है 20/10, कोई दिक्कत? अब देखो, अब दोनों तरफ निगेटिव लगाओ, माइनस डी बाई डी एस 0 to 10, माइनस 20/10 लिखो वोल्ट बाय मीटर, वोल्ट बाय मीटर, ठीक। और इसी को बोलते हैं फील्ड, क्या बोलते हैं फील्ड। और हाँ, टेन तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है। यदि कहेंगे फील्ड जो होगा 0 to 10 meter तक, तो कितना होगा -2 volt पर मीटर, और क्या होगा कांस्टेंट। क्या मतलब हुआ कि अगर 0 पर वही होगा, 1 meter पर वही होगा, 3 meter पर वही होगा, up to 10 meter वही होगा, up to 10 meter वही होगा, ठीक। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मेरा फील्ड क्या है निगेटिव, याद रखिए, और नहीं याद है रट जाओ। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो फील्ड क्या होगा निगेटिव, पोटेंशियल बढ़ रहा हो तो फील्ड होगा निगेटिव, ओके ठीक। इसको लिख लिए, सीखना है, हड़बड़ाओ मत। जैसे कि मान लो निकालना है फील्ड, निकालना हमको 10 से बीच के, 15 के बीच, और एक ही ध्यान देना, 0 से 10 में 10 नहीं है। अगर 10 पर निकालना होगा तो आपको 10 से 15 लेना पड़ेगा। फिर से 0 से 10 में 10 नहीं है, अप टू 10 है, लेकिन 10 टू 15 की बात आएगी तो उसमें 10 आएगा, 15 की बात आएगी तो 15 टू क्या है 25 वो लेना पड़ेगा, समझो। तो यहां देखो, मान लो कि यह एंगल फाई है, क्या है फाई है, क्या है फाई, तो बताओ 15 meter टू 15 मीटर की निकालना है कि क्या होगा, ठीक। तो कोई बात नहीं, फाई सेम 10 मीटर टू 15 मीटर क्या है कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक है टेन फाइव 10 मीटर टू 15 मीटर क्या है कांस्टेंट है, हाई कितना बताओ, ये है आपका, बोलो यह क्या डिस्टेंस हो, 10 फाइव, यह हो जाएगा आपको मेरे ख्याल से 15, ये हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा कितना 15 वोल्ट बाय 5 मीटर, यानी कि 3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और जो भी है कांस्टेंट है, यानी कि यह कितने का मतलब है सेम उस तरह से डी ए बाई डी एस 10 to 15 3 वोल्ट पर मीटर, और क्या है बोलो कांस्टेंट, ठीक है ना। दोनों तरफ नेगेटिव लगा दो, -dE/dS -3 volt पर मीटर। अच्छा क्या बोलते हैं फील्ड, मोटा मोटी ठेठ में फील्ड 10 से 15 तक कितना होगा -3 volt पर मीटर, कोई दिक्कत? तो 10 से 15 में 50 नहीं आता है, 10 पर पूछेगा तो -3 बोलेंगे, अगर 9.99 पूछेगा, 9.999 पूछेगा तो 0 to 10 लेंगे, समझ में नहीं है ये, फिर समझा आ गया देखो। हाँ, तो फील्ड अगर पूछेगा 10 में कितना होगा तो -3 होगा,
11 में कितना होगा माइनस 3 होगा, 12 में कितना होगा माइनस 3 होगा, अप टू 15, नॉट 15, 14.999999999 डॉट 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 तक क्या होगा माइनस 3। समझ गया डालें। अब शॉर्टकट मारेंगे, पहले समझा रहे हैं, फील करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं फील। अब देखो चलो यहां पर आपका ये घट रहा है, घट रहा है, लेकिन रियल में तो ये है, इसको मतलब साइन। अब फिर देखो साइन 15 मीटर टू 25 मीटर क्या है कांस्टेंट है, साइन 15 मीटर टू 25 मीटर क्या है कांस्टेंट है, साइन क्या है बोलो 15 मीटर टू 25 मीटर क्या है कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक है टेन साइन 15 मीटर टू 25 मीटर कितना होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। अरे 15 से लेकर 25 तक ही बढ़ रहा है घट रहा है, ऑब्ट्यूस है, जो भी है कांस्टेंट है, ऑब्ट्यूस है, जो भी है क्या है कांस्टेंट है। ओके ये हो गया है, देखो यहाँ एक्यूट है लेजर आईडी और कांस्टेंट है, यहाँ लेजर आईडी है कांस्टेंट है, यहाँ ऑब्ट्यूस है ग्रेटर देन 90 फिर भी क्या है कांस्टेंट, कुछ भी 120 होगा 115 होगा नहीं मालूम। चल अब टेन साइन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी तो यह अगर साइन है तो कितना होगा 180 माइनस साइन, देखो टेन 180 माइनस साइन यह एंगल क्या होगा बी बाई एच, देखो यहां से यहां क्या डिस्टेंस है घबराना मत, ये हो जाएगा 10, यह 15 है 25 है 10, ये हो गया 10 और यह कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 25, तो बी बाई बी 25 वोल्ट बाई 10 ठीक, अरे यह साई है तो कितना होगा 180 माइनस साई ठीक है, चलो चलो टेन 180 माइनस साई क्या होता है माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस टेन साई इक्वल टू 25 वोल्ट बाय 10 मीटर, टेन साई क्या हो जाएगा माइनस 25 बाय 10 वोल्ट पर मीटर ठीक है, इसी का यूज कर दो कहा फर्स्ट में, आ जाए यहां पर आ जाए ये कितना हो जाता माइनस 25 वोल्ट मीटर, तो इसके मतलब क्या लिखते हैं डी बाई डी एस, डी बाई डी एस कहां से कहां तक 15 मीटर टू, मान लो कि भारी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो भारी ही है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ो मुंह बढ़ाएंगे ठीक, इसको आप क्या बता नेगेटिव लगाएंगे माइनस डी बाई डी एस प्लस ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 25, यही समझाने के लिए हम लोग पूरा तमाशा किए हैं सार नौटंकी हुआ इसी के लिए। अब तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक करेंगे, क्या लेंगे शॉर्ट ट्रिक, क्या लेंगे शॉर्ट ट्रिक, डरना मत बायोलॉजी का मत डरना, वोल्ट बाय मीटर यानी फील्ड जो हो गया कहां से कहां तक बोलो भूल भी गए 52 मीटर टू बोलो 25 मीटर प्लस 25 बाई 10 वोल्ट पर मीटर ठीक है मेरे बालक। ओके मोटा मोटी ठेठ में
जाओ मेरे बालकों, बैठ जाओ। फील होता है माइनस डी बाई डी आर, डी आर को डी एस को माइनस टेन थीटा, और ये भी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो फील जो होगा नेगेटिव होगा। अगर इफ इफ पोटेंशियल घट रहा हो तो फील क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, लिख लिए? देखो अपन आपको संदन अब भाई नहीं लगे, अब खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म। अच्छी बनाओ सवाल, डाइपोल समझे, डाइपोल छोड़ के सब बनाओ, डाइपोल को छोड़ के सारा बनाओ वर्मा जी। जब ये बन जाए तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, हरिहंत हो, सिंगज हो, ये हो, वो हो, एलियन विलियन सिलियन डीलियन सब बनाओ। देखो सामने एक ही क्वेश्चन है, देखो देखो क्या करना है सो बताते हैं, क्वेश्चन का बना। सो मान लो कि ये ऐसे ही है, चलो कुछ किस तरह का सवाल है, ये मान लो कि 5 मीटर है, 25 मीटर कुछ भी डाल दो, ये 10 वोल्ट पोटेंशियल कहेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू एस इक्वल कुछ भी और 2.5 मीटर 0 मीटर 5 मीटर चलो 15 मीटर कहेंगे करना आंसर। 0 से 5 तक फिर जो होगा 0 to 5 बताओ पोटेंशियल बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, यहाँ पर कुछ और है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा? निगेटिव होगा, आ रहा था माइनस टेन थीटा, ओके आंसर, सूत्र नहीं आंसर, टेन थीटा ठीक था, कितना है 10/5 जो हो गया। कभी करना है अब फील्ड 0 पर कितना होगा माइनस 10/5, फील्ड 2.5 पर कितना होगा माइनस 10/5, लेकिन फील्ड 5 पर नहीं होगा 10/5, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा, यह 5 इसमें आ जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब 5 से लेके 25 तक फील्ड घटा, सॉरी पोटेंशियल घटा, घट रहा है, घट रहा है, घट 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 रहा है, कोई बात नहीं। तो पोटेंशियल 5 मीटर to 25 मीटर घट रहा है, इसमें फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ओके, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा हुआ कितना, प्लस और लो एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया 10/10/20 हो गया वोल्ट बाय मीटर, बोलो हल्का है कि भारी, चुप नहीं हो, हल्का है। ये क्वेश्चन बराबर कुछ कुछ दे दो, ये पोटेंशियल है, अब ध्यान दो आपके पढ़ाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब से पोटेंशियल होता नहीं आंसर होता, मैग्नेट पोटेंशियल यही आंसर होगा, तो कोई भी पोटेंशियल आंसर ये होगा, समझ में। यही एक फिजिक्स का खासियत है कि अगर एक बार समझ में आ गया कुछ भी,
कुछ नहीं, चल ये पढ़े चले, ये डिस्टेंस है ट्री 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 काफी, यहाँ 0 है, 5 मीटर है, 25 मीटर है, 30 मीटर है, कुछ लिखो ना मेरे पास क्या आता है। ये मान लो कि 10 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, ओके फिल एट बताओ, फिल एट बताओ 4 मीटर, फिल बताओ 20 मीटर, बताओ 27 मीटर। यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है, तो बढ़ रहा है फिर क्या होगा नेगेटिव, इसे फिर क्या होगा नेगेटिव, इसमें ये निकालो, फाइव निकालो, टेन साइन निकालो, कुछ थीटा निकालो, सब निकालो, थीटा थीटा, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, खुद करो, ठीक आगे बढ़ते हैं। देखो चूंकि फील्ड वेक्टर होता है, फील्ड क्या होता है वेक्टर होता है, तो वेक्टर को तो वेक्टर ही तो लिखा जाएगा ना, ठीक। सोचो कि मेरा दिया हुआ था इज इक्वल टू आया था माइनस डी बाई डी एक्स दिया, फिर सुन चलो शुरू में जहां से स्टार्ट किए थे, जहां से स्टार्ट किए थे क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्या पढ़ते हैं मैक्सिमम मतलब पूरे को पढ़ते हैं। ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो कुछ एक्स में होगा, कुछ वाई में होगा, कुछ जेड में होगा, या सिर्फ एक्स में होगा, या सिर्फ वाई में होगा, या सिर्फ जेड में होगा, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फटाफट कुछ करते हैं बाद में, कार्टेशियन कार्टेशियन देखो, सो मान लो कि अगर ई एक्स की बात करते हैं तो बोलेंगे माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक, या वेक्टर लेने का मन लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स आई, या सिंपल ई एक्स आई, सिर्फ एक्स में आ गया। उसी तरह से अगर ई वाई की बात करेंगे माइनस डी बाई डी वाई, या फिर क्या हो जाएगा बोलो माइनस डी बाई डी वाई जे, या ई वाई जी ई वाई जे, ठीक है ठीक है। उसी तरह से क्या होगा ई जेड माइनस डी वाई ई जेड, या क्या कहेंगे ई इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड, क्या के या इजेड के, ये तुम समझ गया, इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, या सिंपल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक लिख लो इसको। देखिए क्या मतलब हुआ, मतलब क्या हो, देखो मान लो इधर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, कोई कोई पॉइंट ले पी, यह ई एक्स जो होगा वह माइनस डी वाई डी एक्स होगा, ये सब लिख रहे हैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए, इसका कोई काम नहीं है, काम आ गया मुद्दा पर, कॉपी तो अच्छा लगना चाहिए ना, कॉपी तो अच्छा लगना चाहिए, डी वाई क्या लिख दिया, तो हेल्प करो भाई, डी वाई ठीक क्या हो जाएगा, डीजेड क्या होगा माइनस डी वाई डीजेड, ठीक इसको लिखेंगे माइनस डी वाई, ऐसे करो ई एक्स आई, मान लो कि 3D पढ़ रहे हैं, ई एक्स आई ई वाई जे इजेड के, यानी कि माइनस डी वाई डी एक्स आई माइनस डी वाई डी वाई
जे डी एच के, ठीक है ना, समझो। जब आप एक्स एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करते हैं, फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि आपका मूवमेंट एक्स में होता है तो वाई और जेड क्या होता है, जीरो नहीं कांस्टेंट, ठीक है। अगर वाई के अलोंग मूव करते हैं तो आपका क्या होता है, एक्स और जेड कांस्टेंट होता है। क्या मतलब है, सुनो देखो, जैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट किए पोटेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान दो आज का क्लास पूरा कंसेप्चुअल है, आज और इसके बाद कल, उसके बाद तो कुछ नहीं है। अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, यानी लिख दो वाई और जेड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इसको वर्क ऑलरेडी में भी चर्चा करते हैं, किए होंगे क्लास में, देखिएगा। इसको अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, चलो नेगेटिव को बाहर कर दो, हाँ इसमें क्या होगा, एक्स और जेड क्या होगा, कांस्टेंट, और इसमें एक्स और वाई क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक, समझ में आ गया। ये हो गया फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक, लिख लिया, ये क्वेश्चन समझ में आएगा बेटा। देखो, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फ्री स्पेस इज गिवन एज फर्स्ट वी इज इक्वल टू यू माइनस ए एक्स वाई जेड, इस टाइप का सवाल वर्मा जी में है, अच्छी बात, कुछ लिखे हैं किताब क्वेश्चन, और एक सर दो ये लिखे हैं, हम बहुत ले रहते हैं, समझ में आ जाएगा। माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, एक लेक्चर के बाद फिर अच्छी बात सोल्यूशन अब बना शुरू कर दिए। माइनस कुछ भी ले दो, एक्स स्क्वायर वाई वाई जेड, तो लंबा हो जाएगा। मेडिकल पूछता है माइनस ए एक्स स्क्वायर, कहीं मेडिकल है या जी का मेंस है, कुछ भी, वी इक्वल टू माइनस एल ए वाई का, कुछ समझ में आ गया ये क्वेश्चन, देखिए। चल हम बताते हैं पहला सवाल, इसको मिटा दे, पहला मिटा दे, पोटेंशियल दिया हुआ एक्स वाई जेड किलोमीटर, फर्स्ट वी दिया हुआ माइनस ए एक्स वाई जेड, क्या मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड का कोई पॉइंट होगा जहां पर पोटेंशियल दिया हुआ है, ए कोई कांस्टेंट होगा, दो चार पांच नौ कुछ भी, दो चार पांच नौ कुछ भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स आई माइनस डी वी बाई डी वाई जे माइनस डी वी बाई डी जेड के, ठीक बिटा दे, ठीक। तो यह माइनस प्लस हो गया, और ये सब में कॉन्स्टेंट हो, डी एक्स वाई जेड बाई डी एक्स, डी एक्स वाई जेड, डी एक्स वाई जेड, डी
सोचो। यहाँ एक स्केल रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई जेड क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक, वाई जेड डीएक्स में डीएक्स आई, इसमें वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स और जेड कांस्टेंट। एक्स वाई बाहर कर दो, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ए वाई जेड यू वन हो गया, आई ई हो गया, जे एक्स वाई हो गया, के हो गया आंसर। क्या करना था? अगर कहे कि नहीं बताइए 2 3 4 पर क्या होगा फील्ड, कोई बात नहीं है। यहाँ वाई कितना हुआ, अरे यह एक्स वाई जेड ये कितना होगा 3, और ये कितना 4, 4 3 12 12 आई, 3 × 4 आई, एक्स इंटू जेड 2 × 4 एक्स वाई 2 × 3 ये क्या हो गया माइनस, ए तो ठीक है 12 आई 8j 6k। सैंतीस ठीक है, तो उसको लिख लीजिए, मिटा दें। तो रेस्ट क्वेश्चन बनाइएगा, रेस्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे कि सर कोई क्वेश्चन नहीं बना, ऐसे बन ही जाएगा। तो अगले दिन पढ़ेंगे, जिसकी आज पढ़े हैं कि पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड निकालना, कल पढ़ेंगे कि फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल निकालना। जिसको आज नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार पढ़ेगा उसको, और फिर आपको मैसेज करेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं हुआ तो और एग्जाम्पल करा देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियल दिया होगा तो फिल निकाला, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फिल दिया हुआ तो पढ़ेंगे निकाला। ये दो लेक्चर इंपॉर्टेंट हैं, आज और कल, उसके बाद तो रिपीट करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।